हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल झूमास वर्ल्ड। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक चाय का स्नैक्स लेके आए हैं जिसका नाम है साबुत मूंग दाल के पकौड़े। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक गोटा प्याज कटा हुआ लिए हैं और हरी मिर्च भी कटा हुआ और करी पत्ता भी हम लोग लिए हैं और साबुत मूंग दाल को रात भर भिगो के छोड़े थे। अब उसको हम लोग अच्छा सा मिक्सी में एक पेस्ट बनाएंगे और इस पेस्ट को हम लोग सेमी पेस्ट बनाएंगे। देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी फॉर कलर, थोड़ा सा करी पत्ता कटा हुआ फॉर फ्लेवर और थोड़ा सा हरी मिर्च और फिर एक गोटा प्याज कटा हुआ। और इस मिक्सचर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और इसमें हम लोग थोड़ा सा रिफाइन ऑयल भी मिक्स करेंगे ताकि जब ये फ्राई हो तो ये इसमें क्रिस्पीपन बहुत अच्छी तरह से आए। और फिर इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए तैयार हो चुका है ये सारा मिक्सचर। अब कढ़ाई में हम लोग 100 ग्राम हम लोग रिफाइन ऑयल डालें और उसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें हम लोग इस मिक्सचर का छोटा छोटा पकौड़ा जैसा बना के तेल में हम लोग इसको डालेंगे और सेमी आंच में हम लोग इसको अच्छा से फ्राई करेंगे। और जब एक साइड अच्छा से फ्राई हो जाए फिर हम लोग इसको उलट देंगे और दूसरे साइड भी अच्छा से हम लोग इसको पका लेंगे और बीच बीच में इसको हम लोग उलट देंगे ताकि हर साइड से ये अच्छी तरह से पक जाए। देखिए आज का ये रेसिपी मूंग दाल के पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व के लिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम मिलेंगे फिर एक नए अगले रेसिपी के संग। तब तक के लिए बाय बाय।